नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ में परसेंटेज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी बेस पर पूछा जाता है, लेकिन एक्चुअल में हम उसके सही मेथड का यूज नहीं करते हैं, जिससे हमको होती है प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस क्वेश्चन को पेपर में जितने समय में कंजप्ट करना चाहिए उतने समय से ज़्यादा समय हम लगा लेते हैं। अब होता क्या है, चलिए तो उस क्वेश्चन से हम बात करते हैं। हमने लिखा हुआ है टॉपिक, कितना पानी और मिलाया जाए बहुत कम समय में, लिटिल बिट, तीन लाइन से चौथी लाइन हम जाने नहीं देंगे। तो देखिए क्वेश्चन, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर वन ये है, एक 25% अम्लीय द्रव्य में, एक 25% अम्लीय द्रव्य में 16 लीटर द्रव्य की मात्रा है, द्रव्य में 16 लीटर द्रव की मात्रा में कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीयता 20% हो जाए, कि अम्लीयता 20% रह जाए। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आप करते क्या हैं, भाई 16 लीटर प्रारंभिक द्रव की मात्रा उन्होंने दे रखी है, 25% जिसमें अम्ल की मात्रा है, अब हमको पूछ बताना है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीयता 20% हो जाए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप एक चीज़ समझिए कि आप पहचाने फिक्स्ड, इसमें फिक्स्ड क्या है, जो फिक्स है वो पहचाने। देखिए मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया जा रहा है पानी, तो फिक्स कौन हुआ, फिक्स पहचानिए, फिक्स हुआ अम्ल यानी एसिड, एसिड इसमें फिक्स है, अम्ल इसमें फिक्स है। तो देखिए जो फिक्स है उसके परसेंटेज को हम लेते हैं, हम क्या करते हैं फिक्स पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मान के चलिए, देखिए प्रारंभिक मात्रा 16 लीटर में कितना है, 25% क्या है एसिड है, क्योंकि जो फिक्स है हम उसका परसेंटेज लेंगे और परसेंटेज को भी हटा देंगे, 25 इक्वल टू, अब मैंने माना कि अब जो मात्रा हुई अंतिम जो मात्रा ही वो एक्स, और एक्स में कितना परसेंट अम्ल हो गया, 20%। कैलकुलेट दैट, कैलकुलेट करिए, 5 से ये 4 टाइम कोई दिक्कत, 4 से ये 4 टाइम 20 इक्वल टू एक्स हो गया। मतलब आप ये देखिए कि 16 लीटर था द्रव्य, कितना था 16 लीटर द्रव्य था, 20 लीटर हो गया, तो इसमें मिक्सअप क्या हुआ, तो पानी कितना हुआ, पानी हुआ जी 20 लीटर से आप 16 लीटर को माइनस कर दीजिए इक्वल टू 4 लीटर, यानी इसमें कितने लीटर पानी मिलाया गया, 4 लीटर पानी मिलाया गया है। आप इस क्वेश्चन को अंतिम मात्रा पूछ ले तो 20 लीटर होगी, यानी मैं प्रारंभिक मात्रा, आप समझिए पैटर्न, फर्स्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई इनिशियल प्रारंभिक मात्रा इक्वल टू हम सेकंड परसेंटेज किसकी, फिक्स्ड वाले की, मल्टीप्लाई अंतिम मात्रा, ये आप करने वाले हैं। और कैलकुलेट अगर आप इसको करते रहेंगे तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिलने जा रहा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसका, तो उन्होंने दूसरे, ठीक है ना, समझ लेंगे ना, फिक्स पहचानना है, फिक्स का परसेंटेज प्रारंभिक मात्रा के साथ, सेकंड का परसेंटेज जो सेकंड टाइम दिया हुआ अंतिम मात्रा के साथ आप रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको एक्स या जो मिसिंग वैल्यू है वो मिलने वाली है और आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए एक और मैं बता देता हूँ कि एक 30% अम्लीय द्रव्य, कितना, थोड़ा सा चेंज करेंगे, 30% अम्लीय द्रव्य में और 12 लीटर मात्रा है, कितनी है 12 लीटर मात्रा है, कितना, देखिए चेंज इसी में कर रहा हूँ, 12 लीटर मात्रा है, कितना लीटर पानी मिला लें, कितना लीटर पानी उबाल लें, कितना लीटर पानी मिलाया नहीं निकाल लें, ऐसे निकाला जाए, और निकाला कैसे जाएगा, वाष्प बना के, कि अम्ल 40% हो जाए, कितना हो जाए स्टूडेंट, 40% रह जाए, हो जाए, चलिए अम्ल 40% हो जाए। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो जल्दी से आप पेन पेंसिल उठा लीजिए और बताइए जरा क्या करना है, हो जाए, चलिए जरा 30% अम्लीय द्रव्य 12 लीटर मात्रा है, कितना पानी और निकाल लिया जाए कि अम्लीयता 40% हो जाए, 30% से अम्लीयता 40% हो रही है, फिक्स इस बार भी क्या है, फिक्स पहचानिए,
फिक्स्ड इस बार भी आपका एसीडी है, तो मात्रा आप लेंगे 12 लीटर का 30% के साथ आपने रख दिया, एक्स परसेंटेज हमने माना कि एक्स मात्रा हो गई पानी निकालने के बाद, और 40% कैलकुलेट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 टाइम 3 3 9 इक्वल टू एक्स, यानी अंतिम जो मात्रा है वो 9 लीटर हो गई। कितनी हो गई स्टूडेंट? 9 लीटर हो गई, 12 लीटर मात्रा थी, 9 लीटर हो गई, एसिड आपका उतना का उतना रहा, तो कितना पानी निकाला? पानी निकाला गया, वाष्प बनाया गया, निकाला गया बराबर 12 में से आप कितना माइनस कर रहे हैं 9, तो 3 लीटर पानी आपका निकाला गया है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, किस तरीके से इनको एवेलेट करते हैं। आप फिक्स की वैल्यू पहचानिए, फिक्स पहचानिए, उसके परसेंटेज को आप रख दीजिए, नेक्स्ट में आपको आंसर मिलने वाला है। अब बताइए अगर इसको आप क्या करते हैं, 30% पहले 12 लीटर का 30% निकाल लें, उसको एक्स मान के उसको अलग अलग फेजों में करते हैं। मैं सीधा सा कह रहा हूँ आप फिक्स पहचानिए फिक्स क्या है, और तब उसके साथ करिए। देखिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, दूध में 5% जल है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दूध में, जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं वो लिखते चलिए, मेथड सेल्फ क्रिएटर बन रहे हैं आप, दूध में 5% जल है, दूध में 5% पानी है, कितना दूध और मिलाया जाए, दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा मात्रा 2% रह जाए, जबकि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 10 लीटर है, 10 लीटर है। देखिए जरा मेरे साथ साथ लिख दीजिए, राइटिंग से कोई इश्यू नहीं। दूध में 5% पानी है, कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 2% रह जाए, जबकि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 10 लीटर है। तो समझिए जरा इसमें फिक्स पहचानिए क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है, तो फिक्स कौन है? पानी है, और पानी के परसेंटेज आपको दिए हुए हैं, पानी है, जल है, मतलब पानी जल जो भी आप लिखना चाहें, तो 10 ये है। अब देखिए प्रारंभिक मात्रा 10 का 5% हमने एक्स का 2% ले लिया, सीधी सी बात है भाई, प्रारंभिक मात्रा के साथ हम पहला परसेंटेज, अंतिम मात्रा के साथ हम सेकंड परसेंटेज लेते हैं, 2 से ये 5 टाइम 5 25 लीटर हो गया, 25 लीटर हो गया। तो इसमें मिक्सअप किया गया है, क्या मिक्सअप किया गया है? दूध मिलाया गया, कितना मिलाया गया? देखिए कितना दूध, तो बताइए जरा कितना दूध मिलाया गया, कितना दूध मिलाया गया, यानी 25 लीटर हुआ है। पहले था आपका 10 लीटर, तो मिलाया कितना गया? 15 लीटर दूध मिलाया गया है। समझिए कितना आसान आप कर पा रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको पहले फिक्स पहचानना है। कुछ और क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं हम उनको लिए लेते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, आप देख लीजिए, मेथड को लगाइए बिल्कुल बिना डरे, और यूनिवर्सल मेथड सीखे स्टूडेंट, बार बार मेथड को बदलते रहने से कुछ नहीं होगा। नमक व पानी के घोल में, नमक व पानी के घोल में 5% नमक है, कितना है? 5% नमक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5% नमक है। 20 केजी पानी को वाष्पित कर दिया गया, 20 केजी पानी को वाष्पित करने पर नमक 15% रह जाता है, नमक 15% रह जाता है। भाई 20 किलो पानी जो है उन्होंने वाष्पित कर दिया गया, तो घोल की प्रारंभिक मात्रा है क्या है? इस बार जो आप निकाल रहे थे वो दिया हुआ है, प्रारंभिक मात्रा क्या है, और जो आपको दी हुई थी वो आपको पूछी गई है। 20 केजी पानी को वाष्पित करने पर नमक 15% रह जाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया गया, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग तरीके से, और मैं कहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल सिंपल समझिए। फिक्स क्या है वो देखिए जरा, फिक्स्ड स्टूडेंट नमक है, क्योंकि पानी को वाष्पित किया गया है, तो फिक्स्ड इसमें क्या हुआ? नमक है। तो नमक के परसेंटेज को लीजिए, मैंने माना कि प्रारंभिक मात्रा एक्स थी, एक्स का 5%, अंतिम मात्रा कितनी? 20 केजी तो निकल गया, वाष्पित हो गया ना ये 20 केजी, तो इसको माइनस कर दीजिए, एक्स माइनस 20 का कितना? 15%, सीधी सी बात है भाई। पानी और नमक का घोल मैंने मान लिया एक्स था, 5% उसमें नमक था, फिक्स का परसेंटेज ले रहे, दूसरी बार में 20 किलो तो आपने पानी को निकाल दिया, तो मात्रा कितनी रहेगी? एक्स माइनस 20,
कितने पर? 15% पर कट कर दीजिए, 5 से 3 बार x इक्वल टू 3x माइनस के 60। और देखिए 60 को इधर ले रहा हूँ स्टूडेंट, और x को इधर ले जा रहा हूँ 2x, 3x में से x माइनस हो जाएगा 2x, 2 से 30, तो 30 लीटर इक्वल टू x, यानी kg दिया हुआ है, चलिए kg लिख देते हैं, जो भी मेजरमेंट दिया हुआ हो इससे कोई इशू नहीं है। तो प्रारंभिक मात्रा हमने मानी थी, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, 30 kg उसकी प्रारंभिक मात्रा थी। तो आपको काम क्या करना है, आपको फिक्स पहचानना है और फिक्स के अकॉर्डिंग आपको इवेल्युएट कर देना है, इवेल्युएट कर देना है, आपको बहुत आसानी से आंसर मिलने वाला है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन मैं इसका और ले रहा हूँ, बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग कोचिंग सेंटर्स अलग अलग टीचर्स कराते हैं, लेकिन आप यूनिवर्सल में तो ठीक है। 200 लीटर मिश्रण में, ध्यान दें इस बार का क्वेश्चन है कि 200 लीटर मिश्रण में, 200 लीटर, देखिए मैं पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को आपको करा रहा हूँ। 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, 15% पानी है वह शेष दूध है, ठीक है, 15% पानी है और शेष दूध है, दूध की कितनी मात्रा और मिलाई जाए, दूध की कितनी मात्रा और मिलाई जाए, और मिलाई जाए कि मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। स्टूडेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत वो है सिंपल, कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि 87% दूध हो जाए। तो देखिए फिक्स्ड क्या है, पहले तो आप ये पूछिए किसकी मात्रा मिला रहे हैं दूध की, तो दूध तो फिक्स नहीं है स्टूडेंट, तो फिक्स क्या है, वाटर यानी पानी, पानी फिक्स है, ये आपने पहचान लिया। तो दोनों तरफ परसेंटेज आप किसका रखेंगे, पानी का। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ दूध का परसेंटेज दिया हुआ है, अगर आपने 87.5% को एज इट रख दिया तो आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो आप क्या करें, इसको दूध को कन्वर्ट कर लेंगे, चलिए पानी पानी का परसेंटेज लेते हैं, 200 लीटर मिश्रण था शुरुआत में, उसका 15% पानी था, हमने उसमें दूध और मिलाया, तो 200 प्लस एक्स हो गया, या एक्स मान लीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, एक्स का अब देखिए कितने परसेंट, 12.5%, ऐसे ऐसे जैसे आपका मन करे, परसेंटेज को हम हटा के रखते हैं क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज होगा वो कट जाएगा, तो 12.5, तो इससे पॉइंट से 10 इधर बढ़ा देता हूँ। अब देखिए 25 से कट कर दीजिए, 25 से ये 5 बार और 25 से ये 0 40 बार और 5 से ये 8 बार, 8 15 2 30 240 इक्वल टू एक्स, यानी पानी या दूध मिलाने के बाद जो आपने दूध की मात्रा मिलाई 240 लीटर हो गया। प्रथम में कितना था, 200 लीटर था, तो मिलाया कितना, मिक्स कितना किया गया, मिलाया गया जी, आप देखिए जरा 240 में से आप 200 लीटर घटा दीजिए तो आपको कितना मिलने वाला है, 40 लीटर आपने इसमें क्या मिला दिया है, 40 लीटर इसमें आपने दूध की मात्रा मिला दीजिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखिए आपको समर्पण दिखाना होगा, आपको काम करना होगा, आपको मेथड एक से एक बढ़कर मेथड में से एक बेहतर मेथड अपने लिए छांटना होगा। तो आप पहचानिए, फिक्स पहचानिए और फिक्स के परसेंटेज को आप रख दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि विद इन सेकेंड जब आप माइंड ऑफ फ्रेम में इस चीज़ को लेके चलेंगे तो आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो लड़िए आप अपने वजूद से, लड़िए आप, संघर्ष करिए और बेहतर चुनिए। तो चलिए आज इन्हीं 5 क्वेश्चंस के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं, आप बने रहिए स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के साथ, आपको लगातार ऐसे ही वीडियोज हम देते रहेंगे। धन्यवाद।